कई बार लोग सोचते कि काश वो सामने वाले का माइंड पढ़ सके ताकि पता चले कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। 90% लोगों के माइंड में ऐसा थॉट कभी ना कभी आया ही होगा, लेकिन अगर माइंड पढ़ना पॉसिबल होता तो क्या आपके सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर होने से रह पाते? क्योंकि माइंड ह्यूमंस का ऐसा ऑर्गन है जिसमें नॉन स्टॉप थॉट्स चलते ही रहते हैं, और ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन पॉसिबल होता तो शायद सीक्रेट बातें सीक्रेट रह पाती। उसके सिवा क्या इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ में प्राइवेसी रहती? इमेजिन करो, आपने बैंक का पासवर्ड डाला और उसी वक्त कोई अननोन पर्सन ने वो पासवर्ड माइंड से पता कर लिया तो क्या होगा? ऐसे बहुत सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत लोगों के पास जा सकती है अगर ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन होता तो। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन होता तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और आज हम जो लैंग्वेजेस और वर्ड्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन में वो भी नहीं होते। जैसे बचपन में हम सब ने अपनी मदर टंग में बोलना सीखा है। चलिए थोड़ा सोच के हमें कमेंट में बताएं कि बचपन में कौन सा वर्ड आपने सबसे पहले बोलना सीखा था। देखते हैं कि कितने लोगों की पावरफुल मेमोरी है, और क्या हो सकता है कि अगर हम ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेट करें तो ये मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊंगी। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम जो डेली बोल के कम्युनिकेशन करते हैं उसकी प्रोसेस काफी स्लो हो जाती है। मतलब माइंड में थॉट आता है, उस मोमेंट से अब वो किसी को बोले तब तक 2 से 3 सेकंड्स जाते हैं। सिर्फ बोलते वक्त ही नहीं, आप मोबाइल से मैसेज थ्रू कम्युनिकेट करें तो भी आपके थॉट्स, वर्ड्स और सेंटेंस में फ्रेम करने टाइम जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में आपके माइंड में कितने थॉट्स आते हैं? पूरे दिन में हमारे माइंड में ऑलमोस्ट 50,000 थॉट्स आते हैं, मतलब 35 थॉट्स पर मिनट आते हैं। क्या आप इतने थॉट्स एक दिन में बोल के या फिर टाइप करके किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं? शायद ये इम्पॉसिबल है एक दिन में इतना सब बोलना, लेकिन अगर ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन होता तो ये सारी बात बड़ी इजीली कम्युनिकेट हो जाती। ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन का हमारे वर्ल्ड को भी फायदा होता, पर कैसे? एक टाइम पे बहुत सारे जीनियस ब्रेन्स अपने इनोवेटिव यूनिक आइडिया शेयर करते, जिससे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होती। इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज स्टूडेंट्स और टीचर्स को होता। टीचर को वर्बली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टूडेंट्स टीचर का माइंड पढ़ के नॉलेज गेन करते और सारे कॉन्सेप्ट मेमोरी में स्टोर हो जाते। सोचिए स्टूडेंट्स की लाइफ कितनी इजी हो जाती इस तरह। पढ़ाई में ज्यादा सर पीटने की जरूरत नहीं, और सब इतने जीनियस होते कि फेल भी ना होता कोई। जैसे हम किसी से कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ये डिसाइड कर सकते, अगर ब्रेन कम्युनिकेशन में भी ऐसा हुआ तो ज्यादा बेस्ट होगा। मतलब हमारे थॉट्स कोई रीड नहीं कर सकेगा जब तक हम नहीं चाहते। क्या आप सोच सकते हैं कि माइंड कंट्रोल पावर से आर्टिफिशियल चीजें भी कंट्रोल हो जाती? मतलब सोचिए आपकी कार को भी माइंड होता तो आपके कार का माइंड अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते, सेम अपने पीसी लैपटॉप के साथ भी कर सकते। आज सब लोग फोन के साथ दिखते हैं, लेकिन ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन में फोन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वर्बली बोलना होता नहीं तो फोन की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। तो ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन में ये सब चीजें हो सकती है। कई लोग परेशान होते तब सोचते कि उनके माइंड में क्या चल रहा है वो सामने वाला इंसान समझ ले, लेकिन ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन करना सिर्फ एक इमेजिनेशन है। रियलिटी में अब तक तो ये पॉसिबल नहीं हुआ है। और कौन से बेनिफिट्स हो सकता है ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन के, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।